हाय यार पंकी भैया, ये पुलिस तो अपना पीछे नहीं छोड़ी यार। अरे हाँ भाई, मेरे को भी नज़र आ रहा है यार शिनचैन, लेकिन अभी हम लोगों को भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा किसी ना किसी तरह। इन लोगों को पता नहीं खबर किसने दे दी कि हम लोग भाई वहाँ से निकल रहे हैं। उस चैनल से जैसे ही निकले हैं गए यार हम लोग, इन लोगों ने भाई हम लोगों को पकड़ लिया है। अभी ये जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। यानी कि कितनी देर से मैं इनसे फाइट कर रहा हूँ, कितने लोगों को मैंने उड़ा भी दिया है, लेकिन भाई ये फिर भी पीछे से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी आई गैस कि ये लोग उस तरफ चले गए हैं तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई, एक तो ये हेलीकॉप्टर जो हम लोगों के पीछे है ना, ये बस अब ना आ जाए वरना तो हम लोग फिर से पकड़े जाएंगे। हाँ पंकज भैया, आप नीचे होकर बैठो ना यार, ताकि वो हम लोगों को देख ना पाए। अरे हाँ भाई, मैं नीचे होकर बैठता हूँ। तो भी भाई नीचे होकर बैठ, तू क्या ऊपर चढ़ा हुआ है? हाँ पंकज भैया, मैं तो छोटा सा हूँ, मैं तो नजर ही नहीं आऊँगा। अरे भाई, नज़र आ भी सकता है तू। मैं काम करता हूँ यार गाइस, ये ट्रेन को ही उड़ा देता हूँ ताकि इन लोगों को लगे कि हम भी ट्रेन के साथ मर गए हैं। हाँ पंकज भैया, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हाँ भाई, डेंजरस तो है, लेकिन अभी करना तो पड़ेगा शिनचैन। हाँ पंकज भैया, लेकिन जल्दी से करो यार, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और लेट शिनचैन, तो थोड़ा सा पीछे खड़ो, मैं इसको अभी उड़ाता हूँ। आई गेस इंजन पर निशाना लगाना पड़ेगा मेरे को। भाई शिनचैन, तू यहीं पर रही हो, मैं आगे जा रहा हूँ। हाँ पंकज भैया, ध्यान से जाना यार, गिर मत जाना। अरे नहीं गिरता भाई, तेरे को शक है भाई मेरे ऊपर। आई गेस के अभी ये ट्रेन रुकने वाली है। अरे अंदर अंकल जी, रुक जाओ। अबे यार, ये पुलिस वाले इधर आ गए यार, वहाँ पे ही रही हो शिनचैन, ये पुलिस वाले इधर आ गए हुए हैं। हाँ पंकज भैया, लेकिन आगे तो टनल आ गई है। हाँ भाई, ये टनल आ गई है, लेकिन ये टनल बहुत ज़्यादा छोटी है। आई गेस यहाँ से अंकल को पहले उड़ाना पड़ेगा। अरे भाई, ट्रेन गिर गई, इसको सबसे पहले जल्दी से तोड़ता हूँ। ओ भाई, ओए होए होए, शिनचैन किधर है तू? हाँ पंकज भैया, मैं तो पीछे यहाँ पे खड़ा हूँ। हाँ भाई, बस वहीं पे खड़ा रही हूँ। मेरे को भी लगा बस कि हम लोगों का काम पूरा हो गया और अभी ये पूरे की पूरी ट्रेन हम लोगों से छूट जाएगी। यहाँ से जाता हूँ भाई, ताकि भाई उस बंदे तक पहुँच सकूँ। अंकल जी, तुम रुकते क्यों नहीं हो? तुम्हारी ऐसी तैसी ये बात, अंकल डाउन हो चुके हैं। और आई गेस कि अब मैं आराम से पूरी की पूरी ट्रेन को उड़ा सकता हूँ। सबसे पहले इन लोगों से जान छुड़ानी पड़ेगी। ओ भाई, ये हुई ना बात। ओ भाई, आगे चल के करना पड़ेगा भाई, ये तो हवा में ही जा रहा है यार शिनचैन। हाँ भैया भैया, ध्यान से करना, खुद मत उड़ जाना यार साथ। हाँ ध्यान से करता हूँ। अरे अरे भाई, अरे बहुत लग गई यार। अरे अपने हाथ ऊपर करो और सीधे खड़े हो जाओ। तुमने क्या पुलिस को मजाक समझ रखा है? ट्रेनें उड़ा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए? लॉस सैंटोस बर्बाद करना चाहते हो क्या? अरे अरे सर, ये क्या हो रहा है? अरे ये इतने सारे लोग। अरे शिनचैन, शिनचैन मेरे भाई, मेरे भाई शिनचैन, तुझे क्या हो गया? अरे वो मर चुका है। अरे नहीं नहीं सर, इसकी सांसें चल रही है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज़। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ इसको ले जाओ, ये बच सकता है अभी। अरे तो तुमने जो इतने नुकसान किए, ट्रेन का क्या हाल किया देखो ज़रा। अरे सर, ये ट्रेन भाई, ट्रेन तो वाकई पूरी की पूरी डीरेल कर दी मैंने, तोड़ फोड़ दी। अरे भागने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं सर, भाग नहीं रहा मैं, पागल हूँ, अपने छोटे भाई को छोड़ के भागूँ यहाँ से? यार पूरी ट्रेन ही डीरेल हो गई है। अरे डीरेल नहीं, बेवकूफ़ के बच्चे, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अभी चलेगी भी नहीं फिर से। अरे क्या बात कर रहे हो सर, लेकिन मेरा ये इरादा नहीं था, मैं तो बस भागना चाहता था। अरे तुमने भाग लिया क्या? अब मजे आ गए तुम्हें? सुकून मिल गया तुम्हारी जान को? इतने लोगों को तुमने मार दिया है और ये हमारे ऑफिसर्स भी जल गए हैं तुम्हारी वजह से। अरे सर, मैं तो ऐसा नहीं चाहता था कि आपके ऑफिसर जल जाएं। वैसे वाकई बहुत ही जल गए हैं, वहाँ पे भी लोग मरे पड़े हैं। अरे सर, लेकिन अब क्या हो गया? अरे अब तुम्हें जेल होगी और क्या होगा? अरे सर, बस मेरे भाई को आप ले जाएं प्लीज़, मैं जेल में चलने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। अरे हाँ हाँ, चलना ही पड़ेगा तुम्हें, जल्दी गाड़ी में बैठे चुप करके। अरे सर, कौन सी गाड़ी में? अरे वही जिस पर गोलियाँ चलाई थी, ये राइट वाली। ऑल राइट सर, मैं आपसे बात करूँ क्या? अरे हाँ हाँ, और क्या, मेरे भूत से बात कर रहे हो तुम? अभी ये गन क्यों निकाली तुमने? अरे सर, ये वाली गन मेरे पास है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये खाली है, इसमें कोई गोलियाँ नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे कहाँ पे रख के जाऊँ? आपके साथ ही ले चलता हूँ। अरे मेरी बात सुनो, कुछ भी होशियारी अगर तुमने की ना चलाने की, तो फिर देख लो तुम्हारा मैं क्या हशर करता हूँ। अरे सर, मैं पागल थोड़ी हूँ जो अब चलाऊँगा। अरे ठीक है ऑफिसर, इसको गाड़ी में डालो, लेके चलते हैं इसको पुलिस स्टेशन। मैडम, आप उतरेंगी ऊपर से कि नहीं उतरेंगी? अरे मैं उतर रही हूँ सर, एक सेकंड बस।
अरे सर मैं बैठ तो गया हूँ लेकिन मेरा भाई। अरे कुछ नहीं होता तुम्हारे भाई को, बाकी पुलिस ऑफिसर जो है वो ले जाएंगे उसको हॉस्पिटल। अभी तुम्हें तो मैं जल्दी से जेल में जाके बंद करता हूँ। लॉस सैंटोस में तुमने क्या आतंक मचाया है? लॉस सैंटोस को लावारिस समझा हुआ क्या तुमने? अरे सर नहीं ऐसी बात नहीं है, लावारिस नहीं समझा हुआ, लेकिन बस वो क्या कहते हैं थोड़ी सी ना दिमाग खराब हो गया था इसलिए भाई वो चोरी कर ली मैंने। अरे चोरी तो बाद की बात है, जो ट्रेन का हाल किया तुम्हें पता है कितने करोड़ों की ट्रेन है ये? अरे सर कितने करोड़ों की? पूरे के पूरे 100 करोड़ की ट्रेन थी ये। अरे सर पागल हो गए क्या? अब बदतमीजी मेरे साथ किए यहीं पे उड़ा दूंगा तुम्हें, समझ आइए मेरी बात। अरे सर सॉरी सॉरी। अभी पूरे 100 करोड़ तुम्हारा बाप देगा क्या लाके? अरे सर ऐसी बदतमीजी वाली बातें मत करें, मुंह तोड़ दूंगा मैं आपका। अरे फिर बदतमीजी? अरे सॉरी सर सॉरी सॉरी सर, ठीक है आप सही कह रहे हैं लेकिन सर अब मैं क्या कर सकता हूँ? अरे ये तो थाने में जाकर पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो। अभी वो तुम्हारा छोटा भाई क्या नाम है उसका? अरे सर शिनशान नाम है उसका। अरे हाँ उसको भी अभी देखते हैं, वो भी तुम्हारे साथ ही सब में शामिल था, उसको भी जेल होगी। अरे सर वो तो 5 साल का छोटा बच्चा है, उसको तो मैं इसलिए लाया था कि घर पे उसको कोई दिक्कत ना हो। अरे ये क्यों मजाक चल रहा है, पार्टी में आए हुए कि उसको भी साथ ले आए थे, पागल हो गए क्या तुम? अरे सर माफ कर देना प्लीज, मुझे जेल में डाल दें, उसके हिस्से की सजा भी मैं काटने को तैयार हूँ। बकवास बंद करो अभी अपनी, चुप करके बैठे रहो, अभी जेल में जाके तुम्हें बताते हैं कि क्या किया तुमने। अभी ये गन जो है तुम्हारी ये सीधा का सीधा अंदर जाके रखवा देना, समझ आई? ये लेके जेल में ना फिरते रहना। अरे सर ऑब्वियसली आप जेल में लेके फिरने देंगे क्या ये मुझे? अरे नहीं फिरने दूंगा, पागल थोड़ी हूँ मैं जो तुम्हें जेल में फिरने दूँ, वो भी गन के साथ। नीचे उतरो अभी। अरे सर उतर गया। अरे तुम भी नीचे उतरो, तुम क्या ऊपर चढ़े रहते हो, तुम्हें काय? अरे ये कौन उल्लू का पट्टा था, ये पुलिस वाले पागल हो गए क्या? ऑफिसर नजर नहीं आता, ऊपर से चढ़ा के ले गए, बेवकूफ के बच्चे। ठीक है तुम अंदर चलो जल्दी मेरे साथ। अरे सर आ रहा हूँ, आप तो अंदर चले, आके तो अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पुलिस वाले आपको उड़ा के जा रहे हैं। अरे हाँ मैं इनसे भी अभी बातचीत करूँगा, ये क्या तरीके हैं इनके, बदतमीज ऊपर से ही ले गए मेरे। है ठीक है जल्दी आओ तो मैं जेल में बंद करूँ मैं। ऑल राइट सर आ जाता हूँ, आ जाता हूँ एक सेकंड बस। सर लेकिन मेरे भाई का क्या होगा? अरे तुम्हें बता दें कि तुम्हारे भाई का क्या होगा, अभी यहाँ पे बैठ के अपनी मौत के दिन गिनो। अरे सर मौत के क्यों, क्या मैंने ट्रेन ही तोड़ी है, क्या कर दिया मैंने, किसी को मारा थोड़ी है। अरे जो हमारे ऑफिसर मारे हैं उसका कौन हिसाब देगा? अरे यार वो भी तो मसला है, अभी छोटी सी जेल में रहना पड़ेगा यार, क्या करूँ। अरे ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो मैं अभी थोड़ी देर तक बुलाता हूँ मैं। ऑल ठीक है सर मैं आपका वेट करूँगा। अरे यार अच्छा भला प्लान एग्जीक्यूट हो गया था, बस ये मैं बेहोश ना होता ना और शिनशान ना इंजर्ड होता तो निकल ही गए थे यार हम लोग। अभी ये पहरेदारी पे खड़े करके गया भाई वो बंदा, देखते हैं भाई कब तक वो बुलाता है हम लोगों को। अबे ओए। जी जी सर। अरे सर ने बुलाया ऊपर चल मेरे साथ। जी जी सर चले आ जाए चलते हैं। अरे ध्यान से मुझे धक्के मत मार। ऑल राइट सर किधर जाना है मेरे को? अरे ऊपर जा ऊपर। ऑल राइट सर मैं चला जाता हूँ, वैसे भी मैं इस पुलिस स्टेशन में काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ। अरे एक दफ़ा मैं पुलिस वाला बनने के लिए आया था और आज देखो एक मुजरिम अपराधी बन के पूरा का पूरा यहाँ पे आया हूँ। पीछे वाले दरवाजे से निकल भी नहीं सकता, सामने भी गार्ड्स खड़े होंगे। अरे भाई ये रहा ना वो बंदा, ठीक है पूछते हैं इससे। सर मैं आई कम इन? अरे हाँ आ जा आ जा। जी सर आपने मुझे बुलाया था? अरे हाँ वो तेरे भाई की खबर देनी थी तुझे। अरे सर क्या हुआ उसको? अरे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, कोमा में चला गया, डॉक्टर ने कहा है थोड़े अरसे में ठीक हो जाएगा। जी जी सर ठीक है वो तो सही बात है, आपको मुझे अब क्या करना है, आपने क्यों बुलाया मुझे? अरे मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तूने जो नुकसान किया वो ट्रेन का वो कौन भरेगा अब? अरे सर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। अरे तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास भाई तो है ना। मतलब सर इस बात का? अगर तो वो ट्रेन कल तक मुझे सही करके तूने ना दी तो तेरा भाई भी कभी तुझे नहीं मिलेगा, हो सकता है कि हम उसको जहर वाला इंजेक्शन दे दें। अरे सर ये क्या बात हुई, जहर वाला इंजेक्शन उसको क्यों, वो तो छोटा सा 5 साल का बच्चा है। अरे हमें इमोशन नहीं होता है, हमें इमोशनल करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तेरे अंदर एक चिप हम लोग डालेंगे और तुझे यहाँ से बाहर भेजेंगे। कल तक अगर ट्रेन ठीक कर ली तो ठीक है, वरना तो तेरा भाई जान से जाएगा और तू भी। अरे यार ठीक है सर, कौन सी वो आपने इंजेक्ट करनी है कर दें? अरे अभी करता हूँ सबर कर तू। अरे सर कर भी दें फिर मैं जाऊँ ताकि? अरे हाँ करता हूँ रुक जा जरा। अरे सर ये क्या करें, गोली मारने लगे क्या मुझे? अरे नहीं नहीं इंजेक्ट कर रहा हूँ तेरे अंदर, यहीं पे खड़ा रहियो। अब भाग रहा, अरे फ्रैंकलिन का बच्चा भाग आ रहा है, ये पकड़ बस इंजेक्ट करनी थी, क्या हो गया तेरे को? अरे सर मुझे डर लग रहा है, मुझे जाने दे प्लीज। अरे बस इंजेक्ट हो गई, ये पकड़। अरे फ्रैंकलिन क्या हो गया था तुझे, पागल तो नहीं हो गया, भाग क्यों रहा था? अरे सर आपने ऐसे गंतान दी थी, मुझे लगा मुझे शूट करने लगे आप। अरे नहीं बेवकूफ, इंजेक्ट किया तेरे अंदर चिप को ताकि तेरी लोकेशन ट्रैक कर सके, तू भागना चाहे तो तुझे हम लोग दोबारा से पकड़ लें।
ऑलराइट सर, मुझे लगा मेरे को गोली मारने लगी, अभी गाड़ी लेके जाऊँ आपकी क्या? अरे क्या शादी में आया भाई, तू गाड़ी लेके जाए, दबाओ जेल से। और ट्रेन जब तक सही नहीं होती अपने काला मुंह मेरे को मत दिखाइयो। अरे सर ये काला गोरा मत करे मेरे साथ, आप समझ आइए। अरे क्या तुझे वाकई गोली खानी है मेरे से? अरे नहीं नहीं सर, ठीक है मैं चलता हूँ। हो भाई अभी शिनचान को बचाने के लिए ट्रेन सही करनी पड़ेगी। अबे मैं ट्रेन कहाँ से सही करूँगा, मुझे तो पता भी नहीं है कि ट्रेन मिलती कहाँ से, बनती कहाँ से, रिपेयर कौन करता है। भाई मेरे से अच्छे तो ये लोग हैं जो कि होमलेस हैं, चिल करके अपनी ज़िंदगी तो आराम से गुजार रहे हैं। अब यार अभी किसके पास जाऊँ यार गाइस? मैं अगर साइमन के पास जाऊँ, हो सकता है साइमन को पता हो, क्योंकि साइमन गाड़ियों का काम करता है, तो हो सकता है उसको पता हो कि ट्रेन वगैरह के पुर्जे कहाँ से मिलते हैं। और यहाँ से बहुत पास भी है साइमन का शोरूम, तो हाँ डेफिनेटली मैं साइमन के पास ही जाता हूँ, उससे ही पूछता हूँ भाई कि क्या कर सकता है वो मेरे लिए। वैसे है तो साइमन एक नंबर का कमीना इंसान, अगर इसको काम ना हो ना तो भाई ये बिल्कुल मदद नहीं करता, लेकिन होपफुली शायद ये मेरी मदद कर दे। अबे अभी तो गाड़ी वाड़ी भी नहीं है, साइमन से कहूँगा भाई कोई गाड़ी उधार दे दे। भाई कितनी मस्त गाड़ी खड़ी है पीछे, ये वाली बाइक भी खड़ी हुई है यार। साइमन को कहूँगा भाई एक आधी गाड़ी उधार दे दे, यहाँ पर भाई तगड़ी गाड़ी खड़ी हुई है। ठीक है अंदर चलता हूँ साइमन के पास अंदर। बस साइमन हो भाई गैराज तो खुड़ा है। ओ भाई सामने गाड़ियाँ देखो कितनी ज़्यादा मस्त है, बाइक्स भी खड़ी हैं अंदर भी, भाई देखो गाड़ियों पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, सामान तो बहुत अमीरी चल रहा है भाई आजकल। भाई सच में यार अभी साइमन कहाँ पे है देखता हूँ, ऑफिस में होगा। अरे फ्रैंकलिन कैसा है यार तू, दरवाज़ा नॉक करके आया कर जरा, कोई बंदा अपना पर्सनल काम भी कर रहा होता है। सॉरी यार साइमन। अरे हाँ बता कैसे आना हुआ, मेरे को तेरे से कोई काम नहीं था आज। हाँ मुझे पता है तेरे को कोई काम नहीं था, लेकिन मुझे तेरे से थोड़ा सा काम है, ये फ़ोन रख के मेरी बात सुनेगा क्या? अरे नहीं नहीं मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, तू बोलता जा मैं सुन रहा हूँ। अरे यार मुझे ना एक ट्रेन चाहिए। अरे क्या चाहिए? ट्रेन? अरे पागल हो गया क्या, मैं गाड़ियाँ भेजता हूँ ट्रेन कहाँ से ला के दूँ तेरे को? अरे यार कोई ऐसी जुगाड़ बता दे कि ट्रेन जो बन जाए कहीं से, यहाँ सही हो जाए, रिपेयर हो जाए। अरे देख फालतू की बातें मेरे साथ ना कर यार फ्रैंकलिन, यहाँ पे मैं ट्रेन बना थोड़ी बैठा हूँ, और मुझे नहीं पता भाई ये ट्रेन कहाँ से रिपेयर होती है, कहाँ से बनती है। पर यार अच्छा मुझे तेरे से एक थोड़ी सी फेवर चाहिए थी। अरे हाँ बोल। गाड़ी मिल सकती है? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मिल सकती गाड़ी, तेरे को मैं क्यों दूंगा, तेरे से काम ही नहीं करवाया, मुफ्त की गाड़ियाँ बांट रहा हूँ क्या मैं? अरे नहीं मेरा मतलब था कि उधार पे चाहिए, फिर मैं तुझे वापस कर जाऊँगा यार। अरे यार फ्रैंकलिन चल बाहर देख नीली गाड़ी खड़ी है वो ले जा, विंटेज कार है जरा ध्यान से चलाइयो, ठोकियो वोकियो मत। अच्छा थैंक यू साइमन, थैंक यू वेरी मच। अरे कोई बात नहीं यार। ऑलराइट ठीक है, वो वाली लग रही है आई गेस, वो ही विंटेज है। हाँ वो ब्लू वाली, यहाँ पे देखो भाई कितनी सारी गाड़ियाँ हैं भाई, बाइक्स कितनी ज़्यादा सॉलिड है यार, अपने पास भी ऐसी बाइक थी एक, ये देखो पूरी पूरी हायाबूसा खड़ी है यहाँ पे भाई साहब, ये देखो क्या मस्त गाड़ी है यार साइमन के पास, यानी कि आप लोग देखो शानदार गाड़ी है यार। और भाई बाइक भी खड़ी है, ये वाली विंटेज कार आई गेस ये कह रहा होगा साइमन। छोटी सी है लेकिन ठीक है, अपना काम अभी चलाने के लिए तो कोई भी मिल जाए तो अपन को तो चल जाएगी। अभी ना इसके सामने कोई विंडो है ना भाई, कोई सेफ्टी फीचर है ही नहीं। अभी भाई ज़रूरत के वक्त साइमन ने ये भी एहसान कर दिया तो ये भी ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ और किसके पास मैं जा सकता हूँ, बेनी बेनी के पास मैं जा सकता हूँ। अरे भाई पहले ही ठुक गई, अभी साइमन ने कहा था ठुकियो मत, स्क्रैच बढ़ गए हैं। ठीक है बेनी के पास जाता हूँ, बेनी शायद हम लोगों की कोई मदद कर सके, क्योंकि बेनी ये रिपेयरिंग रिपेयरिंग का काम करता है, तो आई गेस के वो मुझे बता सकता है कि ट्रेन कहाँ से रिपेयर होगी। हो सकता है कि बेनी खुद ही हम लोगों की मदद कर दे और ट्रेन रिपेयर करने में हम लोगों का साथ दे दे, अभी पता नहीं है, कन्फर्म तो कोई बात नहीं है। अभी उससे जाके ये स्क्रैच भी सही करवाना पड़ेगा वरना तो साइमन मेरी जान खा जाएगा। बेनी का शोरूम इस तरफ ही था जहाँ तक मुझे याद है, मैं काफ़ी अरसे से बेनी का शोरूम नहीं आया, तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो भूल गई हुई है, लेकिन यहीं पे कहीं पे था बेनी का शोरूम। ठीक है अभी ढूंढना पड़ेगा, जल्दी से मैं ढूंढता हूँ और फिर बेनी से बात करता हूँ, वैसे कॉल भी मैं कर सकता हूँ बेनी को। तो अभी बेनी से मेरी बात हो चुकी है, बेनी से मैंने लोकेशन भी मंगवा लिया भाई उसके गैराज की, पहले मैं गलत डायरेक्शन में चला गया था, मैंने उसके गैराज की लोकेशन मंगवाई है। वो कह रहा था कि अभी वो गैराज में तो नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो वो गेट ओपन करवा देगा, ऑटोमेटिक गेट है आई गेस, हम लोगों का फेल देके आई गेस वो ओपन करवा देगा गैराज। वो कह रहा था थोड़ी देर तक वो आ रहा है और फिर उससे मैं बात करूँगा भाई। ये रहा ना बेनी का गैराज।
भाई कैमरास कहाँ लगे हुए हैं भाई, मेरे को नज़र नहीं आ रहे। अरे हम लोगों को कहा भाई, जहाँ पे भी कैमरेज लगे हों हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। भाई इसके पास भी कितनी तगड़ी गाड़ियाँ अपग्रेड हो रही है ना। ठीक है, अभी अपनी इस गाड़ी को यहाँ पे खड़ा करते हैं, बेनी का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो भाई बहुत ज़्यादा ही स्क्रैचेस पड़ गए हैं। अभी ये देखो भाई, यहाँ से ये सारे स्क्रैच पड़ गए हैं, गंदी भी हो गई है गाड़ी। यहाँ पे भी पूरी स्क्रैच की लाइन पड़ गई है भाई। साइमन तो ज़िंदा खा जाएगा मेरे को, बेनी से ये सही करवाना पड़ेगा। अरे ठीक है, बेनी का वेट कर लेते हैं। बेनी कह रहा था कि वो थोड़ी सी देर में ना आ रहा है, घर से निकल गया वह, तो ठीक है जब तक वो आता है तब तक हम लोग ऊपर चल के ना चिल कर लेते हैं, बैठ जाते हैं थोड़ा सा। अरे यार बेनी तो अभी तक आया नहीं है, सोडा ही पी लेता हूँ एक ज़रा, तब तक हो सकता है बेनी भी आ जाए। भाई काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, आ ही नहीं रहा लड़का। भाई आज तो बहुत ही ख़राब दिन ही आ रहा है। बेनी, अरे ये भाई नीचे आ रखा है, बताओ ज़रा, मेरे को पता ही नहीं। अरे यार फ्रैंकलिन, तूने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? मैं इतनी जल्दी शॉप नहीं खोलता होता अपनी। हाँ हाँ भाई मुझे पता है, तो इतनी जल्दी अपना गैराज नहीं खोलता होता, लेकिन मुझे ना अभी एक ट्रेन चाहिए। क्या ट्रेन तुझे कहाँ से चाहिए? क्या हो गया? ट्रेन मेरे पास नहीं है भाई, गाड़ियों का काम करता मैं, छोटा मोटा मैकेनिक हूँ। अरे यार एक ना बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, मैं तुझे अभी समझा नहीं सकता और बाद में भी शायद मैं तुझे कभी ना बता सकूं, लेकिन अभी शिनचैन पुलिस वालों के कब्जे में है। अरे क्या, शिनचैन पुलिस वालों के कब्जे में क्यों है? अरे यार तू अभी बताया ना, कुछ समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बस एक ट्रेन चाहिए। अरे यार मैं ट्रेन कहाँ से ला के दूँ तुझे? अरे अच्छा तू ट्रेन रिपेयर कर सकता है क्या? अरे हाँ कोशिश कर सकता हूँ, वैसे पता नहीं है, पक्का नहीं मैं बता सकता। अरे यार ठीक है, मैं एक ट्रेन के पार्ट्स लेके आता हूँ, बल्कि तुझे उन पार्ट्स के पास ले जाता हूँ। अरे नहीं नहीं यार, मैं कहीं नहीं जा रहा, तू पार्ट्स ले आ और मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। अरे ठीक है यार बेनी, अभी मैं लेके आता हूँ फिर पार्ट्स। ये मेरी गाड़ी है, ज़रा इसके डेंट वेंट निकलवा दे। अरे हाँ मैं वो करवा देता हूँ। ऑल राइट, तो गए जा रही है, अभी दो मैकेनिक लगे हुए हैं भाई अपनी गाड़ी को सही करने के लिए, डेंट वेंट आए हैं जो, और नीचे से ऑयल टैंक जो था वो लीक कर गया था, तो ये अभी दोनों उसी चीज़ को सही कर रहे हैं। ठीक है, ये जब तक गाड़ी ठीक करते हैं मैं भाई यहाँ से चलो। बेनी मैं लेके आता हूँ फिर जल्दी से ना सारे के सारे पुर्जे तेरे पास, अभी तेरी गाड़ी ले जाऊँ क्या? अरे हाँ ले जाओ, बस ध्यान रखी कहीं मार मत दीजियो। और लाइट इसकी गाड़ी पता नहीं कहाँ पे खड़ी है, मैंने ये तो पूछा ही नहीं इससे। अरे भाई पता नहीं ये कहाँ पे गाड़ी खड़ी करता है। आई गेस कि ये वाला ट्रक भी हम लोग लेके जा सकते हैं, लेकिन ट्रक का मैं क्या करूँगा भाई, गाड़ी लिटरली कोई है ही नहीं। पता नहीं भाई इसने गाड़ी अपनी कहाँ पे खड़ी किया, मुझे कह रहा था कि हाँ ले जा, लेकिन गाड़ी होगी तो लेके जाऊँगा ना भाई। अबे यार क्या करूं अभी, आई गेस के कोई भी मुझे देख नहीं रहा। कोई भी नहीं देख रहा, तो देखो ये गाड़ी मैं लेकर जा सकता हूं आराम से बिना शोर किए। ये बात, अबे 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 चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा भाई। अरे ऑलराइट, तो हम लोगों को ना अभी कंट्री साइड वाले एरिया पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे भाई मैंने और शिनचैन ने ना, बल्कि शिनचैन ने नहीं, मैंने अकेले नहीं, वो ट्रेन फोड़ी थी। अभी ट्रेन के ट्रैक्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो मैं इन ट्रैक्स के साथ ही चलता रहता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा, बस वहाँ से जाना है। और ट्रेन के मैं सोच रहा हूँ कि सारे के सारे पुर्जे मैं लेके कैसे आऊँगा, अभी ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन भाई लाने तो पड़ेंगे, क्योंकि भाई शिनचैन की जान दांव पे लग चुकी है और हम लोगों को अब ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। अभी कहाँ को जाना है मेरे को? आई गेस राइट पे जाना है। ठीक है मैं वहाँ पे जल्दी से पहुँचता हूँ यार गाइस, और वहाँ पे जाकर देखता हूँ ट्रेन किस हालत में पड़ी है। अरे भाई कुछ ज़्यादा ही दूर चली गई है भाई ये ट्रेन लाइन। अरे ये रही ना, हाँ यहाँ से। अरे क्या गंदी ड्राइविंग करता है यार मैं, अभी शिनचैन की जान दांव पे लगी हुई है, तो हम लोगों को ज़रा तेज़ करना पड़ेगा जो भी कर रहे हैं, क्योंकि भाई हर एक एक सेकंड शिनचैन को मौत की तरफ लेके जा रहा है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता भाई। मुझे तो वो एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं याद जहाँ पे वो ट्रेन पलटी थी, बस मुझे ये पता है कि भाई ये रेलवे लाइन के साथ साथ अगर मैं चलता रहूँगा तो मैं वहाँ तक पहुँच ही जाऊँगा शायद, या शायद भाई ना पहुंचूं। अबे यार अभी बहुत सारी सोचें हैं जो कि मेरे दिमाग में चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पे अगर पुलिस वाले हुए ना तो वो दोबारा से मुझे पकड़ना लें, क्योंकि उन लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि मुझे भाई ऐसे रिलीज किया गया है ट्रेन को वापस से रिपेयर करने के लिए। अभी बूझ से मारता हूँ, थैंक गॉड इस गाड़ी में बूझ तो है, हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच सकते हैं। अरे शिट भाई यहाँ पे तो दो ट्रेन ट्रैक्स हैं, मुझे किस वाले पे चलना चाहिए? आई गेस ऊपर वाले पे चलना चाहिए भाई, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं कौन से ट्रैक पे गया था। आई गेस ये ऊपर वाले ट्रैक पे गया था।
भाई आगे चल के देखना पड़ेगा, और अगर ये वो वाला ट्रैक ना हुआ ना तो फिर दोबारा से वापस जाके दूसरे ट्रैक पे जाना पड़ेगा। नहीं यार गाइस, मुझे लगता है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक ट्रैक पे हूँ, क्योंकि ये वाला टनल इस तरह का इसी ट्रैक पे आया था जब हम लोग ट्रेन को उड़ाने वाले थे। हाँ भाई बिल्कुल यही ट्रैक है, और वैसे भी दोनों ट्रैक आके यहाँ पे एक हो ही गए हैं, तो अभी दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है। अबे यार आगे दोबारा से फिर दो ट्रैक हो गए, क्या मुसीबत है भाई। भाई वो जगह तो आके गुजर भी गई जहाँ पे भाई हम लोगों ने ट्रेन उल्टाई थी, लेकिन लिटरली मुझे कोई भी ट्रेन का पुर्जा अभी तक नज़र नहीं आया। आई गेस के भाई ये पुलिस वालों ने वो पुर्जे उठा के कहीं और ना शिफ्ट कर दी हूँ। मुझे भाई उस ऑफिसर से बात ही करनी चाहिए, वही अभी बता सकता है कि भाई क्या ही बात हुई है। अभी कॉल करता हूँ मैं। ऑल राइट, तो अभी भाई उस बंदे से बात हुई है मेरी, वो कह रहा है कि पुलिस वालों ने उठा के सारा का सारा वो कार कबाड़ वालों को बेच दिया है। अबे यानी कि ट्रेन के पुर्जे कार कबाड़ वाले को क्यों बेच दिए? मुझे वो चाहिए थे भाई साहब, अब मैं क्या करूं? अब मुझे ये भी नहीं पता कि भाई कौन से कार कबाड़ वाले को बेचे हैं, अभी ये भी मुझे पता लगाना पड़ेगा। आई गेस लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा जो कबाड़ी है ना वो टेवर के घर के पास विलेज वाली साइड पर रहता है, तो आई गेस मैं उसी तरफ चलता हूँ। आई गेस के वहीं से हम लोगों को कुछ मदद मिल जाएगी। अरे भाई गाड़ी का बहुत ही, अरे पहले ही गाड़ी सारी खराब हो रखी है भाई, और मार ले तू भाई। ये वाली ट्रेन भी वैसे हम लोग चोरी करके दे सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली भाई उनको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी हम लोगों ने चोरी की है, यानी कि ट्रेन हमने चोरी की है, और इस वजह से भाई और सजा भी मिल सकती है हम लोगों को, तो ऐसे फालतू काम नहीं करने हम लोगों को। अरे भाई गाड़ी की हालत तो बहुत गंदी हो चुकी है, लेकिन आई गेस कि हम लोग कबाड़िए के पास पहुंचने वाले हैं। अभी मुझे ये भी नहीं पता शिनशान किस हालत में है, और भाई वो सही है कि नहीं है। वो देखो वो रहा कबाड़ है ना पूरे के पूरे, इधर देखो ना दूर से भाई, वो देखो प्लेन व्लेन के इंजन विंजन पड़े हुए हैं, प्लेन की बॉडीज पड़ी हुई हैं। आई गेस कि इसी के पास उन्होंने बेची होगी सारी की सारी ट्रेन। भाई लॉस सैंटोस के भाई पुलिस वाले और बाकी डिपार्टमेंट कुछ ज़्यादा ही फास्ट हैं। अबे ये दरवाज़ा खुला है ना? हाँ भाई खुला है दरवाज़ा। ऑलराइट ये मुझे ट्रेन के, हाँ भाई ये डेफिनेटली ट्रेन का पार्ट है, मुझे लग ही रहा था ट्रेन का पार्ट है। बाकी की ट्रेन कहाँ पे है भाई? भाई यहाँ पे प्लेन व्लेन है बड़े बड़े, ये देखो छोटे प्लेन भी। ओ भाई ट्रेन मिल गई, मिल गई भाई ट्रेन मिल गई, थैंक गॉड भाई इसके पास मिल गई ट्रेन। हेलो भाई साहब सुनते हो? ए क्या है, क्या लेने आए हो तुम यहाँ पे? गाड़ी बेचने आए हो क्या? नहीं नहीं भाई साहब ये गाड़ी नहीं बेचना है, मैं ये ट्रेन खरीदने आया, मेरी बात तो सुनो। अरे नहीं नहीं ये ट्रेन भी काओ नहीं है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, मैं इसको नहीं बेच सकता। अरे भाई साहब प्लीज़ मुझे बेच दो। अरे नहीं मैंने कहा ना सुनते नहीं हो तुम, दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कह रहा हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब आप तो लड़ने पर ही आ गए यार। अरे मैं तब तुम्हें कह रहा हूँ कि निकल जाओ तो निकल जाओ। अरे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब भाई ये तो भाई चक्कू लेके पीछे पड़ गया। अरे अंकल मैंने तो कुछ कहा भी नहीं तुम्हें, मैं तो सिर्फ यहाँ पे सौदा लेने आया हूँ तुमसे। अरे मैंने जब कह दिया कि नहीं बेचना तो दफा हो जाओ ना। अरे ठीक है मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे नहीं अब तुम जा नहीं सकते, अब ये गाड़ी भी मैं ही लूँगा। अरे ऐसे नहीं जा सकते, अरे तेरी ऐसे ऐसी साले भाई गोलियाँ चलाने लग गया भाई ये बुढ़ा तो पागल हो गया भाई तू। भाई साहब ये तो गोलियाँ चलाने लग गया, मैं यहाँ पे ट्रेन लेने आया था भाई, क्या करूँ मैं, मेरे पास तो गन भी सही वाली नहीं है। अब एयर सॉफ्ट बुलेट्स हैं उसके अंदर, इसको कुछ होगा भी नहीं। कहाँ पे आई है तेरी ऐसी तैसी, निकल निकल साले, अरे तुझे छोड़ू मैं नहीं। अबे उठ तो जा फिर बाद में छोड़ियो। भाई बताओ जरा मैंने इसको कुछ कहा भी नहीं है, फालतू में पंगे ले रहा था मेरे से। ओह भाई अच्छा अब जुगाड़ ये लगाना मैंने तो भाई इसको लेके कैसे जाऊँ, यानी कि ट्रेन तो मुझे यहाँ पे मिल गई है, ये ट्रेन का एक पार्ट है, ये ट्रेन का दूसरा पार्ट है। हाँ भाई ये ट्रेन का दूसरा पार्ट है, और इसके अलावा बाकी के पुर्जे का ये रहा भाई तीसरा पार्ट ट्रेन का। हाँ भाई ये ट्रेन का ही पार्ट रहा, ये देखो ये वाला, बाकी का एक और पार्ट होना चाहिए, बल्कि दो पार्ट और होने चाहिए। एक कंटेनर तो मैंने वहाँ पर भी देखा है, आई गेस देखता हूँ जाके। हाँ भाई ये रहा ये एक और रहा ट्रेलर, हाँ इसी के अंदर तो हम लोग बैठे थे जब हम पुलिस से छुप रहे थे। और इसके अलावा कौन सा पार्ट रहता है यार, एक और पार्ट आई गेस रहता है या इतना ही पार्ट, अरे वो रहा ना वो ऊपर वो ब्लू कलर वाला, हाँ भाई वो वाला पार्ट भी रहता है। ठीक है आई गेस के बस यही वाले पार्ट थे। ओके यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हैं,
लेकिन भाई मुझे एक जंबो साइज़ का ट्रेलर चाहिए जिसमें मैं पूरी की पूरी ट्रेन रख के बेनी के पास ले जाऊँ, बल्कि बेनी को यहाँ पर बुला लूँ। लेकिन भाई बेनी कह रहा था वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। यानी कि भाई अपने जो दोस्त हैं ना थोड़े बहुत, वो भाई एक नंबर के ना भट्टू हैं और भाई बिल्कुल काम नहीं आते जब भी ज़रूरत पड़े। तो ठीक है, अभी मुझे कुछ ट्रेलर का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रेलर भाई जाके ना ढूंढ के लाता हूँ कहीं से, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ भाई ये वाली गाड़ी जो है ना ये यहीं पर छोड़ते हैं कि इसके तो भाई पापड़ भी नहीं मिलेंगे बेच के इसको। तो मैं किसी ट्रक वाले को कहूँगा कि ये वाली गाड़ी रख ले और हम लोगों को अपना ट्रक दे दे। हाँ ये सही रहेगा, क्योंकि ये वाली गाड़ी की कंडीशन मेरी वाली गाड़ी से तो काफ़ी बेहतर है। तो इन भाई साहब से मेरी बात हो चुकी है गाइस, यार ये अपना ये वाला ट्रक मुझे दे रहे हैं और मेरी गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ना हम लोगों को स्मूथली ये काम करना पड़ा और आराम से हो भी गया, हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। वो भाई अपनी गाड़ी ले लेंगे जो कि मेरी है ही नहीं, उसको बाड़ी की है, और हमें ये वाला ट्रक मिल गया। ठीक है, बस अब मुझे एक ट्रेलर ढूंढना है, उसको अटैच करना है और साथ में लेके ना निकल पड़ना सारी की सारी ट्रेन को। ऑलराइट, तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद अभी हम लोगों ने सारा कुछ सेट कर लिया है। ट्रेन के सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट हम लोगों ने रख लिया, ऑलमोस्ट क्या सारे ही रख लिए भाई। ये वाला इंजन हम लोगों ने रख लिया, ये वाला भी हम लोगों ने भाई पूरा का पूरा रख लिया। ये वाला कंटेनर भी दोनों आ गए और नीचे भी भाई ये वाला कंटेनर आ गया, और नीचे रहा हम लोगों का ट्रेलर जिसके ऊपर हम लोगों ने ये सारा सामान रखा हुआ है। अभी ट्रेलर बहुत ज़्यादा मजबूत है, वरना तो भाई टूट ही जाता। दो ट्रेलर ऑलरेडी टूट चुके हैं, तीसरे ट्रेलर पर रखा है हम लोगों ने, और अब हम लोग अपने ट्रक में बैठेंगे और सीधा का सीधा इसको लेके चलते हैं बेनी के पास। वैसे तो ये चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन भाई कैसे तैसे भी इसको लेकर तो जाना पड़ेगा, वरना तो भाई शिनचैन की जान नहीं छूटेगी भाई पुलिस वालों से। ओ भाई, तो पूरे पूरे 3 घंटों की मेहनत और मुश्किल के बाद हम लोग ले आए हैं भाई बेनी के शोरूम के पास अपनी पूरी पूरी उस ट्रेन को। अब देखो भाई बेनी साहब क्या करते हैं, भाई बहुत ज़्यादा चोटें भी देखो आप लोग गाइस यार मुझे आ चुकी हैं, क्योंकि 2 दफ़ा ये ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। और भाई अब ये देखो, ये सारी की सारी ट्रेन और चीज़ें हम लोग यहाँ पे लेके आ चुके हैं। बेनी को बुलाता हूँ भाई कि आके देखे और भाई इस पर काम करना शुरू करे। तो गाइस यार अभी बेनी आ चुका है और इसने अपने सारे के सारे टेक्नीशियन और वर्कर्स को बुला लिया है। इन लोगों ने सारा सामान वगैरह बाहर निकाल लिया है। ये देखो सारे भाई अपने टूल वूल्स निकाल लिए, इन लोगों ने सारी चीज़ें इन्होंने सेट कर ली हैं। और भाई बेनी कह रहा है कि कम से कम इसको 4-5 घंटे लग जाएंगे सारी की सारी चीज़ को ना सही करने में और रिस्टोर करने में। अभी इसने पूरे रास्ते बंद कर दिए हैं, इधर से भी वैन लगा दी है, ये वाला रास्ता भी बंद है आगे से आएगा पता नहीं शायद से। ठीक है, बेनी अभी इनको समझा रहा है कि कैसे काम करना है, क्या चीज़ें हम लोगों को उतारनी है, यानी कि हमको नहीं इनको क्या क्या चीज़ें उतारनी है और कैसे कैसे काम करना है। चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा सही बेनी ने सारी बाहर निकाल ली है, और आई गेस कि हम लोगों को 3-4 घंटे के अंदर अंदर ना सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं जा रहा हूँ साइमन को ना उसकी गाड़ी वापस करने के लिए, बेनी कह रहा है कि ठीक हो चुकी है, और भाई वो लेके ना मैं साइमन को वापस कराता हूँ जल्दी से भाई, क्योंकि गाइस यार आपको पता है कि फिर साइमन को अगर उसकी चीज़ वापस ना करें ना तो भाई बहुत भड़क जाता है। सारे से क्रैश तो ठीक कर दिया भाई बेनी और उसके वर्कर्स ने, हाँ सही लग रही है भाई गाड़ी, ऐसे लग ही नहीं रहा कि कभी स्क्रैच इसके ऊपर पड़े भी थे। ठीक है, अभी इसको ध्यान से भाई लेके जाना है, क्योंकि अब हम लोगों ने कहीं पर भी स्क्रैच मारा ना तो अब बेनी भी ठीक नहीं करके देगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी वो इतनी ज़्यादा फेवर हम लोगों की कर रहा है तो बार बार तो वो फेवर नहीं करेगा ना हम लोगों की। ठीक है, अभी यहाँ से इसको लेके हम लोग निकलते हैं सीधा का सीधा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक सेकंड वो ट्रक भी साइड पे कर लूँ, अरे एक सेकंड वो ऊपर क्या है भाई, एक मिनट स्नाइपर निकाल लें तो भाई ऊपर कोई खड़ा है क्या? ओ भाई स्वाट फोर्स का एजेंट जो है हम पे नज़र रख रहा है पूरी की पूरी कि हम लोग क्या कर रही हैं भाई, कितना शाना भाई। भाई ऐसा ना हो कि मैं ये ट्रेन सही करवाऊँ और ये लोग लेके निकल जाएं और फिर शिनचैन को भी मार दें और मुझे भी भाई ये टपका दें या जेल में डाल दें, पता नहीं शायद ये हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए ना हो, आई डोंट नो भाई कि ये किस लिए खड़ा है यहाँ पे। लेकिन है तो भाई ये पूरा का पूरा स्वाट फोर्स का, और भाई आई गेस कि वो बंदा जिसने हम लोगों को भाई छोड़ा था ना और कहा था कि ट्रेन ठीक करवाओ, उसी ने ही हम लोगों के पीछे ये बंदा लगवाया होगा। खैर हम लोगों को इतना नहीं सोचना, जल्दी से जाके पहले साइमन को ये गाड़ी वापस करता हूँ, उसके बाद ना हम लोग सीधा सीधा वापस बेनी के पास आते हैं। आई गेस तब तक बेनी भी हम लोगों के लिए ना ट्रेन रेडी कर चुका होगा। अभी साइमन की दुकान यहाँ पे पास में ही है,
तो ये तो काफी ज्यादा फायदे वाली बात है कि हम लोगों को ज्यादा ये गाड़ी नहीं कर चलानी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा अगर गाड़ी चलाई ना तो ये ना होगा भाई गाड़ी पे फिर से क्रैश पड़ जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग बिना से क्रैच लगाए गाड़ी लेके आ चुके हैं, यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। भाई सारी गाड़ियाँ कहाँ गई? भाई एक भी गाड़ी नहीं अब तो खड़ी, पहले कितनी ज्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी जब मैं आया था। भाई इसके ड्रिफ्ट मारने में ना अलग ही मजा आता है, लेकिन ठीक है भाई, ज्यादा हम लोगों को ऐसे काम नहीं करने। ठीक है भाई, बिल्कुल ऑल सेट, ऑल राइट लग रही है। साइमन, ओए साइमन, हेलो साइमन, किधर गया भाई? अब यार साइमन तो है ही नहीं। चलो ठीक है भाई, हम लोगों ने तो गाड़ी पहुंचा दी ना, फोन करता हूँ भाई साइमन को कि उसकी गाड़ी हम लोगों ने रख दी है, ताकि वो बाद में ये ना कहे कि उसकी गाड़ी हम लोगों ने नहीं पहुँचाई। ऑलराइट, तो साइमन से भी हम लोगों ने बातचीत कर ली और उसको बता दिया उसकी गाड़ी आ चुकी है, अब हम लोगों को बस वापस बेनी के पास जाना है, पैदल ही जाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, पास में ही है बेनी का शोरूम, तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सीधा के सीधा हम लोग इस बिल्डिंग के अंदर से निकल के वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अरे यार गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट बेनी के शोरूम पे, बल्कि शॉप पे पहुंचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी सूरज भी डूबने वाला हो गया, हम लोगों को ना ज़रा जल्दी करनी पड़ेगी भाई से पहले का भाई शिनचैन की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए, हम लोगों को जल्दी पहुंचना पड़ेगा। बेनी ने अब तक तो आई गेस बना ही ली होगी अपनी ट्रेन, अलग तो रह के सही कर दिया। अरे भाई सारे पेंट शेंट भी बदल दिया क्या बेनी ने? अरे भाई साहब, बेनी किधर है भाई अपनी ट्रेन? अरे यार यहीं पे है, कहाँ पे जानी है तेरी ट्रेन? हमने पूरी की पूरी रंग रोगन कर दिया, पीछे जाके देख तो सही। ऑलराइट देख लेता हूँ भाई मैं। ओके, तो भाई ये डब्बे तो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिए भाई बनी तूने, अंदर सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लग रही है मुझे तो। लेकिन भाई इसका इंजन कहाँ पे है? ये तो भाई पीछे वाली बोगी है ना भाई, लेकिन इंजन मेरे को नज़र नहीं आ रहा। ये उसका दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट रहा, ये चौथा पार्ट रहा, लेकिन इंजन कहाँ पे है बनी? अरे यार ध्यान से देखो, यहीं पे पीछे है। ऑलराइट पीछे है, पीछे कहाँ पे भाई? पीछे तो कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, अबे ये रहा क्या? ओ भाई साहब, इसने तो पूरी पूरी ट्रेन बदल दी। अरे भाई नीचे देखो भाई, इंजन चिंजन सब कुछ नया लगा दिया इसने तो, हर चीज बनी तूने तो बदल के रख दिया भाई साहब। अंदर से दिखाता हूँ यार गाइस आप लोगों को, लेकिन एक सेकंड, सबसे पहले बनी को थैंक यू कर ले यार हम लोग। अरे यार थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है फ्रैंकलिन, मुझे भी कभी काम पड़ेगा तो तेरी मदद ज़रूर लूँगा मैं। अरे हाँ भाई ज़रूर मेरी मदद ले लियो, अभी हम लोगों को ना जल्दी से जाना चाहिए, सीधा का सीधा ना पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जाके बताते हैं भाई ऑफिसर को कि हम लोगों ने ना ट्रेन बना ली है। और बेनी एक काम करेगा क्या तू? अरे हाँ बोल यार। यार ये तू ट्रेन ट्रैक पर पहुँचा देगा क्या सारी की सारी ट्रेन? अरे हाँ यार पहुँचा दूँगा। अरे बस ठीक है भाई, मुझे जल्दी से पुलिस स्टेशन जाना चाहिए यार गाइज, ऑफिसर को ये ट्रेन ट्रैक वाली साइड पे, और दिखाऊंगा उसको कि ट्रेन हम लोगों ने पूरी पूरी नई बना लिया भाई, यानी कि भाई वो वाली ट्रेन बेनी ने रीस्टोर कर दी है एक तरह से, और भाई बिल्कुल ही न्यू ट्रेन बना दिया। अभी जल्दी से भाई निकलते हैं यहाँ से, पुलिस स्टेशन यहाँ में पास में ही है तो हम लोगों को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं पुलिस स्टेशन, रात भी होने वाली हो गई है। गाड़ी को जल्दी से मैं यहाँ पे खड़ा करता हूँ भाई, सीधा का सीधा अंदर चलता हूँ भाई, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए भाई। शिनचैन ठीक हो? बस भाई मुझे शिनचैन की फिक्र है, अगर शिनचैन को कुछ हो गया ना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं ही उसको लेके गया था सारे फालतू काम करने के लिए। अभी सर देखते हैं है या नहीं। अरे फ्रैंकलिन आ गए क्या तुम? जी सर मैं आ गया, आपकी आवाज़ को क्या हुआ, चेंज हो गई है? अरे यार सिगरेट पी के ज़रा ख़राब हो गया, तुम कौन होते पूछने वाले और मैं तुम्हें जवाब क्यों दूँ? अरे अच्छा सर वो मैंने ट्रेन ठीक कर ली। अरे क्या बात है, ठीक कर ली मतलब? मेरा मतलब सर नई ट्रेन में ले आया। अरे वाह तुम तो बड़े पैसे वाले लगते हो, कहाँ पे है ट्रेन? सर वो ट्रैक पे मैंने रखवा दी है, आप चल के देख सकते हैं। अरे हाँ चलो चल के देखते हैं। अरे लेकिन सर मेरा भाई शिनचैन। अरे हाँ वो तो लॉकअप में है नीचे। अरे सर लॉकअप में वो ठीक हो गया, हॉस्पिटल गया था ना वो तो? अरे हाँ वहाँ से तो वो फौरन ही आ गया था तुम्हारे जाने के बाद, नीचे आ जाके मिल लो उससे। ऑलराइट सर मैं मिल लेता हूँ उससे। भाई शिनचैन नीचे है, शिनचैन को भी लॉकअप में। अरे भाई भाई साहब यहाँ पे तो कुछ अलग ही चल रहा है, इनको गन पॉइंट पे लिया हुआ है। देखते हैं भाई शिनचैन कहाँ पे है। हेलो सर क्या हुआ? सर वो मेरा भाई शिनचैन है यहाँ पे, छोटा सा 5 साल का बच्चा। अरे हाँ वो नीचे लॉकअप में है मेरा ख्याल है, वरना मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, देख लो जाके। ऑलराइट सर थैंक यू।
यहाँ पे बड़े कैदी आ रखे हैं भाई शिनचैन कहाँ पे। अरे ये रहा शिनचैन। हाँ फैंकी भैया, आप कल से आके यार मेरे को लगा आप तो चले गए हो, मुझे लगा मर गए हो, इन लोगों ने बताया भी नहीं मेरे को कुछ। अरे भाई मैं तो तुझे बचाने के लिए भाई बाहर काम कर रहा था। हाँ यार कैसे काम? अरे भाई बाद में समझाऊंगा, ऑफिसर जरा खोलेंगे मुझे इससे मिलना है। अरे हाँ एक मिनट खोलता हूँ जरा। ऑल राइट सेल खुल चुका है। अरे यार शिनचैन इतने दिनों बाद तुझे देखा। हाँ फैंकी भैया लेकिन हम तो सुबह साथ में थे। हाँ मेरा मतलब इतने घंटों बाद तुझे देखा यार। हाँ फैंकी भैया लेकिन आप कहाँ पे गए थे? अरे भाई वो तो ट्रेन हम लोगों ने फोड़ी थी ना। अरे हाँ यार फैंकी भैया वो आपने फोड़ी थी और उसके बाद मैं बेहोश हो गया था, उसके बाद जब मैं उठा तो हॉस्पिटल में था और ये लोग मुझे यहाँ पे लेके आ गए। हाँ हाँ मुझे पता है भाई, वही ट्रेन ठीक कर रहा था, इन्होंने कहा था कि ट्रेन ठीक नहीं होगी तो ये तुझे मार देंगे और मुझे भी निकलने नहीं देंगे। हाँ फैंकी भैया आपने ट्रेन ठीक कर ली क्या? अरे हाँ ठीक कर लिए, चला चलते हैं ट्रेन को देखने के लिए। अरे भाई साहब ये डोर बंद क्यों कर दिया आपने? अरे वो सर ने कहा है कि तुम आज रात ना यहीं पे रुकोगे, कल सुबह हम ट्रेन देखने जाएंगे। अरे लेकिन ये दरवाज़ा तो खोलना भाई, ये क्या बात हुई, मुझे भी कैद कर दिया। अरे यार हम लोगों को रात एक पूरी पूरी प्रिजन में गुजारनी पड़ेगी, ये क्या बात हुई भाई, ये तो अनफेयर है यार। यानी गाइस यार आपके सामने ही है सब कुछ, कितना गलत बात है भाई, हम लोगों ने जब ट्रेन बना भी लिया फिर भी हम लोगों को एक रात प्रिजन में गुजारनी पड़ेगी। यार पूरा का पूरा गेट बंद कर दिया, बताओ जरा। ठीक है भाई आज रात शिनचैन फिर यहीं पे सोना पड़ेगा हमको। हाँ फैंकी भैया कोई बात नहीं हम सो लेते हैं। हाँ भाई सो लेते हैं, क्या कर सकते हैं। अरे ओए फ्रैंकलिन, अबे ओए उठ जा। अरे क्या हो गया, क्या सुबह हो गई क्या? अरे हाँ सुबह हो गई, उठ जा और ये अपने छोटे भाई को भी उठा जल्दी कर। अच्छा सर मैं उठता हूँ एक सेकंड। अरे शिनचैन उठ जा, सुबह हो गई है, वो लेने आया भाई हम लोगों को। हाँ फैंकी भैया थोड़ा सा और सोने दो ना यार। अरे नहीं नहीं बस उठ जा भाई जल्दी कर। हाँ फैंकी भैया आप इतनी जल्दी उठ के थे यार? अरे भाई ये लेने आए थे ना सर, चलें फिर। आज देखते हैं कि क्या ही बनाया तुम लोगों ने, कौन सी ट्रेन लेके आए हो, पता नहीं तुम लोगों ने सही काम किया कि नहीं किया। अरे सर तुम लोग कौन हो गए, मैंने अकेले ने किया ये सारा कुछ। अरे हाँ मेरा मतलब वही था, अभी जल्दी और चूंच लड़ाना बंद करो मेरे साथ, और अगर तुमने कुछ भी गलती की हुई ना फिर देखना अपने हाल के, मैं तुम्हारा हाल क्या करता हूँ। जल्दी आओ, अभी कहाँ रह गए हो तुम? अरे सर आ रहा हूँ एक सेकंड, बस यहाँ पे अपनी एंट्री करवा रहा था। अरे हाँ जल्दी करवाओ, आ जाओ जल्दी। अरे एक तो ये सुबह सुबह इन बेवकूफ़ों की वजह से जाना पड़ा है, वरना जाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। मेरी गाड़ी कहाँ पे है? अरे सर वो मेंटेनेंस के लिए गई है। अरे यार क्या करते हो तुम लोग, ठीक है ये दूसरी वाली गाड़ी लेके चलते हैं, जल्दी आ जाओ। जी जी सर आ रहा हूँ, बस आगे बैठूँ पीछे कहाँ पे बैठूँ? अरे जहाँ मर्जी बैठ जाओ बेवकूफ़, बैठो बस। हाँ बताओ कहाँ पे है वो ट्रेन? अरे सर ये आप ट्रेन ट्रैक जो है ना पास में, वहाँ पे ले चलें, वहीं पे होगी कहीं पे। वहीं पे होगी कहीं पे का क्या मतलब है, वहीं पे है नहीं क्या? अरे सर वहीं पे है, मजाक कर रहा था मैं, आप तो बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। तुम्हारा मेरा मजाक चल रहा है क्या फ्रैंकलिन? अरे सॉरी सर आप तो गुस्सा ही कर गए। बस ये नीचे वो देखें ट्रेन जा रही है ना, बस इस ट्रेन के पास में ही आपको वो वाली ट्रेन भी मिल जाएगी। अबे ये कौन आ गया बेवकूफ, पुलिस के सामने वैन अपनी खड़ी कर दी है। हाँ यहीं पे नीचे जाना है ना? जी जी सर यहीं पे, ये खड़ी है ट्रेन साथ में ही। अरे वाह फ्रैंकलिन तुमने तो झकास ट्रेन बना दी यार। जी जी सर ये नई मंगवाई है मैंने। अरे हाँ वो तो लग ही रही है कि काफी झकास ट्रेन तुमने मंगवाई है यार, यानी कि लव सेंटोस में मैंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी, तुमने तो कमाल कर दिया यार, यानी कि तुमने तो लव सेंटोस का सर फखर से बुलंद कर दिया। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे सर कहीं नहीं जा रहे, मैं तो बस यहाँ पे देख रहा था। अरे अंदर से भी टूर कराओ ना यार फ्रैंकलिन। जी जी सर आप अंदर से भी देख आए जाके, मैंने क्या ही कहना है आपको। अरे वाह वैसे अंदर से भी काफ़ी सही लग रही है, दूसरी ट्रेन भी गुजर रही है, फर्स्ट क्लास केबिन लग रही है, तो आगे ये कॉकपिट सा जो बना हुआ है ड्राइवर का ये भी काफ़ी सही लग रहा है यार, अच्छी मेहनत की है फ्रैंकलिन ने, तो इसी नाम में मैं इसको जाने दूंगा। अब पीछे वाला डब्बा भी काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो डब्बे क्यों हैं, चार होने चाहिए थे, अभी पूछता हूँ इससे। अरे फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो। जी जी सर क्या हुआ? अरे चार डब्बे होने चाहिए थे, दो क्यों हैं? अरे सर वो डी अटैचेबल है। क्या है? सर डी अटैचेबल, वो डी अटैच हो जाते हैं, अगर आपको चाहिए होंगे तो वो लग जाएंगे दोबारा। अरे अच्छा फिर ठीक है, चलो इसको अब ट्रैक पे रखवाओ जल्दी करो, और फिर हम इसको चला के देखते हैं। जी जी सर बिल्कुल चला के देखते हैं, इसको क्यों नहीं चला के देखेंगे। ऑलराइट तो गाइस यार हम लोग ट्रेन के अंदर आ चुके हैं, ट्रेन चल रही है, और भाई शिनचैन और भाई अपने जो पुलिस ऑफिसर साहब थे वो आ गए डिब्बे में है। और भाई ये देखो कितनी ज़्यादा फास्ट है, यानी कि भाई एक सेकंड में कितनी स्पीड में चल रही है।
लिटरली भाई बुलेट ट्रेन लग रही है यार ये तो। एक तो इसकी शेप भी वैसी है, ऊपर से चल भी वैसी रही है। मैं बाहर खड़े होकर आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड चलती है तो भाई नज़र में ही नहीं आती और बंदा भाई एकदम से ना उड़ के चला जाता है। इसलिए भाई मैं बाहर भी खड़ा हुआ, वरना मैं बाहर से आप लोगों को व्यू दिखाता कितना ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। ऐसे देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा ये स्पीड में और कितनी ज़्यादा सॉलिड तरीके से चल रही है। और भाई बिल्कुल अपने लॉस सैंटोस की ट्रेन से ना हज़ार गुना ज़्यादा तेज स्पीड में चल रही है मुझे तो लग रहा है कम अज़ कम। हाय फ्रेंकी भैया, अगले वाले डब्बे में आ रहे हैं यार जल्दी से। अरे भाई अगले वाले डब्बे को छोड़, ये वाला डब्बा बहुत ज़्यादा मस्त है भाई, पूरी की पूरी स्पीड में चल रही है। ठीक है गाइस, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अपनी ये बुलेट ट्रेन भी पसंद आ गई होगी। हम लोगों ने शिनचान को बचाने के लिए लॉस सैंटोस को एक बुलेट ट्रेन दे दी यार, यानी कि लिटरली में यकीन नहीं आता कि ये हम लोगों ने बनवाई है बल्कि बनाई है। बाकी यार आज की वीडियो आप लोगों को लगी अच्छी तो जल्द कर दो वीडियो को लाइक, चार बजे दफा है तो जल्द से मार दो सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्द से कर लो। एडोबिलिज्म इंस्टाग्राम हैंडल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं शिनचान जॉब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोगों को अपना ख्याल, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।